नहीं करते, हम यहाँ बैठ करके भाव में जाते हैं। तो भाव में कैसे जाना, ये सब हमारे पद होते हैं। हरिमन जी के चतुराशी हैं, 42 लीला है दुर्गा जी की। राधा वल्लभ संप्रदाय के आराम से आ जाना, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में जाओगे जो प्रेमानंद जी का है, वहाँ पर चतुराशी 42 लीला ऐसी होती है। उसमें राधा रसदानी की भी एक बुक है, तो उसमें सरस्वती मंजरी, प्रबोधानंद सरस्वती थे, पहले अद्वैती थे काशी के, और फिर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद वो भाव में आ गए, राधानी के भाव में। तो वो इसी जगह में लौटते पोटते थे, ऐसे ही थी हाँ, तब के वृंदावन ऐसे ही थे। यहाँ पर कंदराएं, यहाँ पर गुफाएं, और पूरा व्रज ऐसे ही ओरिजिनल है। जो आज आप लोग वृंदावन देखते हो चाट पकौड़े, वो वृंदावन नहीं था, वृंदावन यही है ओरिजिनल, ये गोवर्धन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाव में वो सेवा करते थे, तो सेवा भाव में, जैसे अभी मैं इसको ले आई, कैसे अंधेरे का माहौल लग रहा है, तो श्री कृष्ण का यही कलर है, समझा ना, यही रहता है उनका कलर। और जब राधानी को मिलने का मन होता है तो एकदम अंधेरा हो जाता है, छा जाता है पूरा अंधेरा। और सखियों को लेकर के, पूरी सखियाँ, यूथ की यूथ, मिलियंस ऑफ सखी सब अंदर रहती हैं अलग अलग जगहों में, तो हम सब वहीं पर रहती हैं सेवा करने के लिए। और एकदम तो निकुंज होता है, जैसे गोष्ठ एरिया हो गया, सब लोग आ रहे हैं ना, पब्लिक आ रही है, कुछ खास लोग को लेकर के अंदर चले जाएंगे तो निकुंज हो जाएगा। और एकदम खास जहाँ राधानी केवल जा सकती है और श्री कृष्ण जा सकते हैं, और जो एकदम अंतरंग मंजरियाँ जो सेवा में लगी रहती है, चरण की सेवा में, छाया की सेवा में, वो सखियाँ मंजरियाँ वो निवृत्त निकुंज में जाती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो सेवा करते हैं, हम निवृत्त निकुंज की सेवा करते हैं। वहाँ पर रात भर हम बैठते हैं, हमारे लिए रात और दिन कुछ है नहीं, वहाँ समय का भान नहीं रहता, माया का वहाँ पर कुछ है नहीं, रात दिन हम सेवा में रहते हैं। तो जब उनको एकांत में समय बिताना है तो हम उनकी सेवा में रहते हैं। तो मैं इसको भाव बता रही थी कि चल देख, अभी जैसे आई ना, कांटा चुप गया ना, तो राधानी इतनी विफल हो जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण यहाँ से मुरली बजाते हैं ना, राधानी वहाँ जावट में, यही गोवर्धन के पास उनका ससुराल है जावट में, वो बेचैन हो जाती है। रात्रि का समय होता है, वो ऐसी नीली चुनी पहन के भाग के आती है। जब भाग करके आती है तो पीछे सरस्वती सखी, ये सखी सरस्वती सखी पीछे पीछे चल रही, रुको रुको मैं चलती तुम्हारे साथ, कहाँ जा रहे हो, बोलती है मुझे अभी कृष्ण ने बुला लिया, मुझे भागना है बस, उनको ध्यान नहीं रहता। ऐसी जो है ना कांटे उनके चुन्नी में लग रहे हैं, पैर में लग रहा है, उनको ध्यान नहीं है। तो सरस्वती सखी पीछे पीछे जाके कांटे निकाल रही है, चुन्नी संभाल रही है, फिर अंदर तक ले जाती है। अंदर जब, अभी तो कुंज ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, अंदर जब जाओगे ना, जहाँ श्री कृष्ण ने उनके लिए शैया बनाई है ना, वहाँ श्री कृष्ण चमकते हुए रहते हैं, और श्री कृष्ण ध्यानस्थ रहते हैं। राधा और यहाँ से जब राधानी जाती है ना, तो पहले तो उनके श्रीअंग की खुशबू आती है श्री कृष्ण को, और जैसे श्री कृष्ण जैसे खुशबू आती है तो आँख खुलती है, और फिर राधानी को देखते हैं, तो राधानी दूर से दिखती है ना, तो ऐसे नहीं दिखती है, चमकती हुई एकदम अंधेरी रात में सुनहरा रंग। और वहाँ पर जब श्री कृष्ण को देखो अंधेरी रात में, नीला सा नील मरकत मणि चमकता हुआ, ठीक है। और सखी यहाँ पर बैठती है, जब इन दोनों मिल लेते हैं तो सखियाँ सब बाहर ऐसी कुंजरंदरों से देखती है, सबको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कुंजरंदरों से देखती हैं। तो नीला रंग और सुनहरा रंग, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, और सखियों को नींद तो आती नहीं क्योंकि सेवा में, तो आवाज़ें क्या आती हैं, कभी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है, कभी खिलने खिलखिलाने की आवाज़ आ रही है, कभी मधुर आवाज़ आ रही है, कभी गुस्से की आवाज़ आ रही है। तो इनको समझ में आता है अभी रुट गई हैं, अभी मना रहे हैं, तो सखियों को उनके आनंद में आनंद है। तो ये सारी लीलाएँ नित्य 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 इन कुंजों में अभी भी होती हैं। जिसकी जो दृष्टि हो गई ना, दिव्य दृष्टि हो गई, तो हमको तो ऐसे लग रहा है अभी घुस जाए अंदर जाकर के देख करके आ जाए, ऐसा वहीं पर बैठे रहे ऐसा। तो दिव्य दृष्टि के लिए इन संतों महात्मा रसिक संतों का के शरण जाना पड़ता है। तो वो राधा रसिक के एक एक श्लोक में राधानी का वर्णन, इन निकुंज की लीलाओं का वर्णन। अच्छा, जब मिलन हो जाता है सुबह के 4 बज गए, तो सखी यहाँ बोलती चलो चलो चलो, माँ वहाँ पर वेट कर रही है, नहीं तो तुम जब निकल के जाती है राधा रानी, तो सब लगा हुआ है ना चोट वोट, तो वहाँ पर जाके वो पूछती है सास, तो ये सखी आकर के बचाती, नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो तो फूल चुनने गई थी अभी पूजा के लिए, सवेरे की पूजा के लिए फूल चुनने गई थी, इसलिए चोट लग गया ऐसे। तो पूरी रात्रि बिताई होती है, लेकिन राधा रानी को कहता अरे घर जल्दी आना पड़ गया, अब क्या करें। तो बोलते कोई बात नहीं, हम सुबह सूर्य पूजा के लिए जाएंगे। तो सूर्य पूजा के लिए निकलती है सखियाँ, तो यमुना के एक तट पर सखियाँ हैं, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण दूसरे तट पर पेड़ पर बैठे देखते रहते, क्योंकि अभी बता नहीं सकते ना। तो इसी प्रकार से सखियाँ उनके मिलन का संपादन करती रहती है। यहाँ नित्य उल्लास, प्रेम विलास, यही यहाँ की बस काम के लिए यही यहाँ पर चलता है। वृंदावन जो है प्रेम की नगरी है, बस प्रेम में डूबे रहो, हम सखियाँ हैं सेवा में डूबे रहो, ठीक है। यही है कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। जय श्री राम।